इस समय औरैया जनपद के ककोर मुख्यालय पर हैं। आज बहुजन समाज पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और मंडल के नेता यहां पर धरना में उपस्थित हुए थे, जो एससी और एसटी समाज में आरक्षण को लेकर, क्रिमिनल लेयर को लेकर के यहां पर आज पूछेंगे क्या क्या कमी है आरक्षण को लेकर के। यहां पर धरना प्रदर्शन भी हुआ, तो ज्ञापन शांतिपूर्वक जो बहन जी के निर्देशानुसार यहाँ पर आए हुए थे। जी, क्या कहेंगे आज जो एससी एसटी समाज में जो क्रिमिनल लेकर को आरक्षण को लेकर के क्या कहेंगे आज? सम्मानित साथियों, सभी को मेरा जय भीम। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है आरक्षण को लेके, उसमें जो क्रीमी लेयर की बात कही है, वर्गीकरण की बात कही है, ये संविधान विरोधी बात है। हम बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार सिपाही हैं। इस संदर्भ में माननीय बहन जी के आदेशानुसार निर्देशों पर हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में सभी लोग इकट्ठा हुए, माननीय डीएम साहब को ज्ञापन दिया और ज्ञापन के माध्यम से माननीय भारत की राष्ट्रपति को ये संदर्भित करवाया, ये जानकारी दिलाई कि ये जो आरक्षण है ये कोई हमें भीख में नहीं मिला, ये बाबा साहब द्वारा अथक प्रयासों और बड़े संघर्ष के बाद हमें आरक्षण मिला, जिसमें समाज में जो गैर बराबरी की व्यवस्था थी, गैर बराबरी की व्यवस्था को व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो हमारे हकवंचित समाज के लोगों को आरक्षण दे करके, जो जमीनी स्तर पर बहुत ही लो थे, जो बहुत ही कमज़ोर थे, उनको आरक्षण की व्यवस्था दी गई थी। जो केंद्र सरकार, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है, ये बहुत ही गलत निर्णय है, ये दलित विरोधी निर्णय है। मैं अपील करता हूँ भारत की सरकार को, माननीय राष्ट्रपति, भारत सरकार को, कि इस संशोधन इसको केंद्र की सरकार इस बिल को लाए और इसको परिवर्तित करे, जैसा हमारा आरक्षण था पुनः वैसा ही लागू हो, तभी हमारे समाज के लोग तभी शांत बैठेंगे। नहीं तो अभी तो ये शुरुआत है, अगर ये लागू नहीं किया गया तो अभी ऐसे आंदोलन चलते रहेंगे, उसके लिए हम दलित समाज के लोग कहाँ तक जाएंगे, उसके लिए हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। स्पष्ट कह दिया कि बहुजन समाज पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने कह दिया है कि अब लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे, ज्ञापन भी जारी रहेंगे। जी, आपका नाम क्या? महेंद्रपाल दौरे। क्या कहेंगे आज यहां पर धरना हुआ है शांतिपूर्वक? आज माननीय बहन जी के आदेशानुसार यहां पे जो ज्ञापन देने का सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को निर्देश मिला है, उसको देने के लिए हम सारे लोग एकत्रित हुए हैं और हम लोग शांतिपूर्वक ज्ञापन दे दिया है। और ये अगर इससे नहीं अगर मामला बनता है तो मेरी पार्टी और मेरे कार्यकर्ता बहुत आगे संघर्ष करेंगे। यानी कि अब देख सकते हैं लगातार कह दिया है कि अब और बड़ा भी आंदोलन होने वाला है तब तक। जी, आपका नाम क्या है? लालू सिंह दोहरे। यहाँ पर आज उपस्थित हुए थे जो तिरंगा मैदान में, क्या मैटर है यहाँ पर? जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसमें क्रीमी लेयर के हिसाब से संविधान वो लागू करना चाहते हैं, इससे अगर ये लागू हो जाता है तो हमारे समाज के एससी एसटी वालों को बहुत ही नुकसान हो जाएगा, हमारा संविधान कुल मिला के बचेगा ही नहीं। तो इसके बाद में माननीय हमारी नेता बहन जी, उन्होंने आदेश दिया है कि सभी लोग जाके शांतिपूर्वक जाके, और जिससे कि प्रशासन की कोई भी चीज़ को, गाड़ी या कहीं आग जनी वगैरह ना हो पाए, इसके अनुशासनहीनता में रहते हुए भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है और हमारे सभी साथी जिले के सभी लोग आए यहाँ पर, काफ़ी बड़ी संख्या में आए हुए हैं और यहाँ पे उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया और क्या नाम है, जिला अधिकारी महोदय उनको ज्ञापन दिया राष्ट्रपति जी के नाम से। और आज यहाँ देख के, भीड़ देख के लग रहा है कि हमारा समाज अब जागरूक हो गया है कि संविधान की अगर कोई भी अगर बात आएगी तो उसमें हमारा संविधान की बात आएगी तो उसमें हमारा हर समाज का वर्ग हम लोगों के साथ में खड़ा होगा, हम उनके साथ में खड़ा होगा और संविधान बचाने की पूरा जान लगाने की कोशिश करेंगे। यानी कि आप देख रहे थे यहाँ पर जो एससी और एसटी समाज के और काफ़ी अन्य समाज के भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे हमने बात भी की, कुछ मुसलमान समाज के भी हमारे सक्रिय कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी से इमाम अली भी ने अपनी बेबाक तरीके से बात रखी थी। जी, आप कहाँ से हैं? बिदूना से। जी, क्या कहेंगे आप यहाँ पे तिरंगा मैदान में आए हैं एससी एसटी समाज के, जो आरक्षण को सरकार ख़त्म करना चाहती है? सरकार की मंशा ठीक ना होने के कारण आज हमें तिरंगा मैदान में भारी संख्या में उपस्थित होना पड़ा, और सरकार की जो मंशा है एससी एसटी की हक को खा रही है, वो जो भर्तियां निकाल रही है
वो तोड़ मरोड़ के निकाल रही है। जैसे 10 की 25 की भर्ती निकालनी चाहिए एक साथ, तो 8 लोग एससी के आने चाहिए, लेकिन वो 3-3 और 4-4 करके निकाल रही है। 3 भी निकालती है तो पहले ये सरकार में थका है, पहले एक पद एससी का जाएगा, इसके बाद सामान्य का जाएगा, बीसी का जाएगा, लेकिन ये निकम्मी सरकार केवल सवर्णों को लाने का काम कर रही है, 3 पद निकालती है। सिद्धार्थनगर में आपने देखा 83 पॉइंट कुछ इन्होंने सवर्ण लाभी ला के रख दी, इसमें एक भी दलित समाज को हिस्सेदारी देने का काम नहीं किया। जब हिस्सेदारी की बात आती है तो ये लोग बेईमानी की बात करते हैं, और जब तक ये बेईमानी करते रहे हम लोग जंग लड़ते रहेंगे। और इन्होंने हमारी बात को ना माना तो 18 अप्रैल 2 अप्रैल 18